yesterday told you, I will be showing you the actual format of bills of exchange. Bills of exchange are not very frequent transactions, right? अगर अमाउंट बहुत ही बड़ी है तो ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज बने जाते हैं. स्मॉल अमाउंट्स के लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जगह जनरली चेक्स आर गुड. इवन यू कैन प्रिपेयर पोस्ट डेटेड चेक्स. पोस्ट डेटेड चेक मतलब क्या? पीडीसी बोलते हैं. यू विल इश्यू चेक टुडे बट द डेट ऑफ द चेक विल बी राइट समवॉट इन द फ्यूचर. सो उससे क्या होता है कि हम चेक देख के रखते हैं. सो जो जिसको हमें पेमेंट करना था हम उसको चेक देख के रखेंगे बट उसको बोलेंगे कि उसकी डेट आज की नहीं रहेगी, फ्यूचर की रहेगी. सपोज यू हैव परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर वन मंथ, सो यू विल इश्यू देम चेक, पोस्ट डेटेड चेक आफ्टर वन मंथ. उसकी डेट एक मंथ के बाद की रहेगी. सो दैट कैन बी वन ऑप्शन. और अनदर इज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. हाउएवर बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर स्मॉल अमाउंट इट इज वेरी नॉट आई विल से इट इज अ डिफिकल्ट टास्क बट इट रिक्वायर्स स्टैम्प ड्यूटी एंड एवरीथिंग सो इट बिकम्स अ कॉस्टली अफेयर. ठीक है. So this is bills of exchange. Try to understand. ठीक है. ये मैंने उसमें थोड़े changes किए. Like this is 9th June 20 is a date. This is a bank code. Hundi number. Okay. One important thing. Bills of exchange in Marathi are called as hundi. Marathi में क्या बोलते हैं उनको? Hundi बोलते हैं. Hundi. Bills of exchange को क्या बोलते हैं? Hundi. Therefore this is hundi date is 9th जून. ठीक है. देन हुंडी नंबर. सो दिस इज देयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज नंबर. ठीक है. दैट इज देयर रेफरेंस, रेफरेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हुंडी अमाउंट. हुंडी मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज. मराठी में हुंडी बोलते हैं, राइट? सो इट इज हुंडी अमाउंट. समथिंग 34,28,536.32. ठीक है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. This bill is drawn by XYZ Limited. ठीक है. This is the real life format. ये actual format है. So this is a drawer. मतलब seller. XYZ Limited is a drawer. The bill is drawn on ABC Limited. Right? Drawee. So buyer. सेलर ने बायर को गुड सेल किए होंगे. ठीक है. सो हु हैज ड्रॉन द बिल? एक्स वाई जेड. ऑन हुम? एबीसी. देखते आगे. एट 75 डेज फ्रॉम द बिल्स ऑफ एक्सचेंज. डेट ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज 75 डेज का पीरियड है. सो फ्रॉम दिस डेट राइट यू हैव टू कैलकुलेट 75 डेज. सो आपको एक्चुअल डेज वाइज कैलकुलेट करना होगा. जो भी डेट आएगी वो 75 days from the date of bills of exchange, please pay to Bank of America, pay to or a order. So payee is a bank. Payee is a bank. क्या लिखा उन्होंने? Pay to Bank of America or order a sum of rupees 34,28,536.22 for the value of the goods supplied, right? Against invoices annexed below. For this amount, this bill is for these goods. ये उन्होंने sales detail दिया. These are details of the sales. कोई बोल सकता है ना कि sir, कल आपने हमें अकोमोडेशन बिल की कंसेप्ट समझाई. अकोमोडेशन बिल में इवन इफ देयर इज नो परचेस एंड सेल वी कैन ड्रॉ बिल ऑन ईच अदर एंड वी कैन डिस्काउंट विद द बैंक. एग्जांपल, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं मेरे फ्रेंड पे बिल ड्रॉ करूंगा. इवन इफ आई हैव नॉट सोल्ड गुड्स टू हिम, मैं बिल ड्रॉ करूंगा, मैं जाके बैंक के सर डिस्काउंट करूंगा और बाद में मैं मेरे फ्रेंड को पैसे दूंगा, वो ऑनर करेगा. तो उससे क्या होता है कि मेरा काम हो रहा है, मेरे फ्रेंड मुझे हेल्प कर रहा है एंड बैंक को भी पैसे मिल रहा है. बट right, there is no consideration and accommodation bills right are not legal in India. So aap kaise prove kar sakte ho na, this is not a accommodation bill and this is a trade bill. India mein kaun se bills hai? Trade bills hai. Matlab jiske liye purchase and sale ho gaye.
यू हैव टू गिव द डिटेल्स ऑफ द सेल्स एज वेल, आपको इनवाइस वगैरह सब देनी होगी इसके साथ ये, राइट? उन्होंने लिखा है अनेक्स्ट बिलो, तो उन्होंने आपको डिटेल्स दी है एंड इसकी कॉपी भी रहेगी इसके साथ। जब आप डिस्काउंट करोगे ना, तब बैंक को आपको इनवाइसेस भी देने पड़ेंगे, प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने सेल किया है। एंड देखो इनवाइस नंबर, यू कैन सी इनवाइस नंबर 42 एंड 45 जो भी रहेगा कोडिंग, ठीक है। इनवाइस डेट 3rd June एंड 5th June, इस तारीख पे एक्स वाई जेड ने किसको सेल किया था, एबीसी को। सो एक्स वाई जेड वाज सपोज टू रिकवर, दिस इज जीआईएन नंबर, राइट? दिस इज जीआरएन नंबर, ठीक है, डिटेल्स, एंड दिस इज जीआरएन गुड्स इनवर्ड, GRN goods received note, समझ में आ रहा है? So these are the numbers, so related to purchase documents, ठीक है? Amount and this is the amount. And इसके साथ ये दो bills invoices attach किए होंगे, ठीक है? So ये XYZ ने 34,20,000 almost के goods sell किए ABC को, और किसने bill drop किया? Seller ने, buyer पे, और pay कौन है? Right? Bank of America or older. ये बैंक किसकी रहेगी पता है आपको? एक्स वाई जेड की बैंक रहेगी। किसकी बैंक रहेगी? एक्स वाई जेड की। सो एबीसी विल पे टू होम, राइट? बैंक। ऐसे नहीं होता है कि जो हम बोलते हैं रिटेन द बिल टिल द ड्यू डेट, एंडोर्स, एंडोर्समेंट हार्डली होगी। रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज एंडोर्स करने के लिए अमाउंट भी सेम होनी चाहिए, क्रेडिट पीरियड सेम होना चाहिए, ऑल टर्म्स शुड मैच। एंडोर्समेंट एग्जाम में हो सकता है, बट रियल लाइफ में सब टर्म्स, लाइक मेरे बायर, मैंने मेरे बायर को एक मंथ का क्रेडिट पीरियड दिया है, वो क्रेडिट पीरियड मैच होना चाहिए जिसको मैं एंडोर्स कर रहा हूँ, अमाउंट मैच होनी चाहिए। सो देयर आर मेनी फैक्टर जब आप एंडोर्स करते हो, इसके एंडोर्सिंग इज नॉट दैट मच कॉमन। सो यू कैन सी, राइट, यहाँ पे लिखा गया है कि You have to pay, मतलब ABC has to pay to Bank of America or order, right? So this is, you can say bill sent for collection, ऐसे भी बोल सकते हो, या bill discounted as the case में। अब आगे क्या, नीचे देखो। So who will present the bill on due date? Not XYZ, but XYZ's bank will present the bill on due date. And obviously XYZ will not go and, right, वो collect करते बैठेगा पैसा। And there are multiple transactions, try to understand. XYZ and ABC are more focused in doing business and then the collection. Collection ka kaam bank karegi. So, yaha pe bahut clearly likha hai. Who is a payee? Bank of America is a payee. Theek hai? So, ABC will pay to the Bank of America, right? Or their holder. Obviously, it is as good as making the payment to XYZ, because XYZ nahi bola ki Bank of India ko payment kar. एंड जो बैंक ऑफ, आई एम सॉरी, बैंक ऑफ अमेरिका को पेमेंट कर, एंड बैंक ऑफ अमेरिका में किसका अकाउंट रहेगा? एक्स वाई जेड में। आगे पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो। टू ब्रांच मैनेजर बैंक ऑफ अमेरिका, ये जो नीचे का पोर्शन है ना, कट किया जाएगा, ये नीचे का पोर्शन कट किया जाएगा, राइट? पहले ये पूरा का पूरा पोर्शन एबीसी को साइन करने के लिए दिया जाएगा, वो पढ़ेगा पूरा, ठीक है, और फिर इसको कट करके हम किसको देंगे? राइट, बैंक मैनेजर को देंगे, राइट? बैंक ऑफ अमेरिका, डियर सर, प्लीज डिस्काउंट द सेम एंड क्रेडिट द प्रोसीड्स टू आर फॉलोइंग सीसी अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट। सीसी अकाउंट इज अ कैश क्रेडिट अकाउंट, कैश क्रेडिट। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट, जो बैंक, एवरी बिजनेस ओपन्स अकाउंट विथ ए बैंक, दैट इज करंट अकाउंट, बराबर? एंड करंट अकाउंट को कौन सी फैसिलिटी होती है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओडी फैसिलिटी होती है, बराबर ना? एंड अलोंग विथ करंट अकाउंट, मेनी बिजनेसेस, जनरली मैन्युफैक्चरिंग वन, रिटेल वन, राइट, दे ओपन सीसी अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट, लाइक ए लोन अकाउंट with the bank. Cash credit account in economics
मैं वो डिटेल में जाऊंगा जब मैं बैंकिंग सिखाऊंगा वहां पे, ठीक है। सो एक होता है कैश क्रेडिट अकाउंट, डिस्काउंट द सेम एंड क्रेडिट द प्रोसेस टू आर सीसी अकाउंट। सो इसने क्या बोला है, ये एक्सेप्ट करेगा, कौन, एबीसी बिल एक्सेप्ट करेगा जो एक्स वाई जेड ने ड्रॉ किया है, एंड फिर एक्स वाई जेड उसके बैंक में वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है। 99% केसेस में यू विल डिस्काउंट द बिल ओनली बिकॉज यू नीड फंड्स। देखो अमाउंट 34 लाख है, 100 to 100 rupees नहीं है। सो ऑब्वियसली 34 लाख ऑलमोस्ट 75 days, इफ यू डोंट डिस्काउंट 75 days के लिए अमाउंट ब्लॉक की रह जाएगी। यू विल गेट 34 लाख ऑलमोस्ट आफ्टर 75 days, एंड देयर फोर यू आर, एंड ऑब्वियसली अमाउंट इज बिग, you also want money, XYZ also wants money, they also has to make payments to various parties, so वो क्या करेंगे, वो बिल क्यों ड्रॉ करें, इंटेंशन बहुत क्लियर है। देखो XYZ एंड ABC, इनके बीच में ट्रांजैक्शन है, ABC कैन पे ओनली आफ्टर 75 days, क्रेडिट पीरियड है, इसको तो पैसे चाहिए ना, इनके तो डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन रहेंगे, उतना तो ट्रस्ट सपोज है ऐसे पकड़ के चलो। नाउ व्हाई बिल इज ड्रॉन, बिकॉज एक्स वाई जेड रिक्वायर्स मनी, इसको भी परचेस करना होगा, बाकी लोगों को पेमेंट करना होगा, बहुत सारा रहेगा, तो इसको भी पैसों की जरूरत है, 75 डेज थोड़ी वेट करेगा, तो इसने इस पे बिल ड्रॉ किया, इसने बिल एक्सेप्ट करके इसको दिया, और ही कैन डिस्काउंट विद द बैंक, पैसे मिल जाएंगे, नो नीड टू वेट फॉर 75 डेज। इसका भी काम हो रहा है, इसका भी काम हो रहा है, बैंक ऑल्सो अर्न्स। एंड रियल लाइफ में अगर बिल ड्रॉ करोगे ना तो डिस्काउंटिंग ही रहेगी, नो वन विल वेट फॉर दैट 75 डेज टू कलेक्ट द अमाउंट, एंड अमाउंट हायर अमाउंट रहेगी, बहुत हायर अमाउंट रहेगी। सो दिस इज कैश मैनेजमेंट, आई मीन कैश मैनेजमेंट। सो ये बिल डिस्काउंट किया जाएगा, और बैंक ऑफ अमेरिका में बोला गया कि ये डिस्काउंट करो, और जो अमाउंट है क्रेडिट टू अवर बैंक अकाउंट सीसी अकाउंट, ये नंबर रहेगा, यहाँ पे वो नंबर मैंने डिलीट किया है, यहाँ पे बैंक नेम ऑब्वियसली इट इज द बैंक ऑफ अमेरिका एंड जो भी है, एंड देन ब्रांच कैम ब्रांच, दिस इज IFSC कोड वगैरह वगैरह, ठीक है, फॉर XYZ लिमिटेड। अगेन द ड्रॉवर विल साइन, दिस विल बी गिवन टू बैंक फॉर द डिस्काउंट। समझ में आ रहा है, ये पूरा बिल किसके, ये पूरा का पूरा किसको दिया जाएगा, बैंक को दिया जाएगा। दिस इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है, राइट, ये मैंने ड्राफ्ट नहीं किया है, ये एक्चुअल में है। सो खाली मैंने नाम चेंज किया है, नॉट टू डिस्क्लोज बिकॉज ऑफ द सीक्रेसी, कि किसका बिल है, कौन सी कंपनी है, क्या है। सो दिस इज द रियल लाइफ एग्जाम्पल, एंड ऐसे होते हैं बिल्स। एंड अमाउंट देखो, अमाउंट बहुत हेवी है, पोस्ट डेटेड चेक से काम नहीं चलेगा, पोस्ट डेटेड आप बोलोगे सर पीडीसी देंगे 34 लाख का 75 डेज के बाद वाला, बट अमाउंट इज वेरी ह्यूज, एंड XYZ रिक्वायर्स मनी, पीडीसी विल नॉट सर्व द पर्पस, पीडीसी कैन नॉट बी डिस्काउंटेड, बिल्स कैन बी डिस्काउंटेड। समझ में आ रहा है, एंड देयरफॉर बिल्स है, होते हैं बिल्स, मैं ये नहीं बोलूंगा बिल्स होते नहीं, इफ समवन सेल्स यू कि बिल्स होते नहीं, तो ही डजंट हैव नॉलेज, कोई भी हो फिर। सो एंड मराठी में बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या बोलते हैं, हुंडी, एंड हुंडी इज अ प्रॉपर वर्ड। अगर मार्केट में जाओगे ना, नो वन विल से बिल्स, एवरीवन विल से हुंडी ओनली। सो दिस इज राइट प्रैक्टिकल नॉलेज। दूसरा, मैंने कल एक बोला था कि यूज कैसे होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड बिल्स कैसे यूज करते हैं, ध्यान देना, मैं आपको समझाता हूं, जो हम सीखते हैं ना एग्जैक्टली उसका उल्टा बिल का कंसेप्ट है, उल्टा मतलब कैसे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। लाइक अभी हमने क्या सीखा है, हमारे जिसे टेक्स्ट बुक नॉलेज है, दिस इज टेक्स्ट बुक नॉलेज विच इज रॉन्ग। हम क्या देखते हैं, ड्रॉइंग, एक बायर रहता है बराबर, एक रहता है सेलर। सपोज मैं बोलता हूं बायर इज, एग्जाम्पल बायर इज
विल टेक सम लाइक मारुति उद्योग लिमिटेड, एमयूएल. सो मारुति उद्योग लिमिटेड विल बी द बायर. क्या बाय करेंगे वो? स्पेयर पार्ट्स. बराबर ना? मारुति उद्योग लिमिटेड, मारुति डज नॉट मैन्युफैक्चर एवरीथिंग. बेसिकली दे असेंबल द थिंग्स एंड दे मैन्युफैक्चर द कार्स, फोर व्हीलर्स, एंड दे सेल अंडर देयर ब्रांड. सीट कवर्स, मिरर्स, स्टेयरिंग, टायर्स आर नॉट मैन्युफैक्चर बाय राइट यूर मारुति. ट्राई टू अंडरस्टैंड. या बजाज राइट, आप ले सकते हो, बजाज ले सकते हो, राइट. आप बड़ी एखादी कोई भी कंपनी ले लो. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज अ मारुति उद्योग लिमिटेड. ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज ऑटो इंडस्ट्री, ऑटो मैन्युफैक्चरर, एंड इनके बहुत सारे सप्लायर्स रहेंगे. इनके बहुत सारे सप्लायर्स रहेंगे. मिरर के लिए कोई फिक्स सप्लायर रहेगा? एक नहीं रहेगा, एक से ज्यादा रहेंगे. ट्राई टू अंडरस्टैंड. वो टेंडर्स मांगते हैं कि कौन हमें इतनी क्वांटिटी सेल करेगा. ऑब्वियसली उनका प्रोजेक्शन रहेगा, एमयूएल का प्रोजेक्शन रहेगा कि हम इतने व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करने वाले हैं इस पूरे साल में. तो उसके अकॉर्डिंगली उनको इतने मिरर्स लगेंगे, इतने सीट कवर्स लगेंगे, इतने टायर्स लगेंगे, और देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो हमें पता भी नहीं है. वी आर नॉट फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. मैं आपको स्पेयर पार्ट्स की बात कर रहा हूँ. एंड फॉर एवरी स्पेयर पार्ट देयर आर मल्टीपल हु राइट सेलर्स. बट डू यू एक्चुअली नो द मैन्युफैक्चर ऑफ स्पेयर पार्ट्स? नो. सपोज वी परचेस ए मोबाइल, लाइक एग्जाम्पल वन प्लस लेते. डू यू थिंक कि वन प्लस मैन्युफैक्चर एवरी पार्ट ऑफ दैट मोबाइल? नो. देर आर मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स. कोई कैमरा मैन्युफैक्चर करता है, कोई स्क्रीन मैन्युफैक्चर करता है, वो स्क्रीन गार्ड मैन्युफैक्चर करता है, कवर मैन्युफैक्चर करता है, राइट. सो आई सिंपली मीन देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स. उसको एंसिलरी इंडस्ट्रीज बोला जाता है. सो दिस इज मेन. एंड इसके बाजू में ऑक्सिलरी इंडस्ट्रीज और एंसिलरी इंडस्ट्रीज होती है. तो एग्जाम्पल मैं बोलता हूं, एग्जाम्पल सपोज एबीसी लिमिटेड, एबीसी एंड कंपनी, पीक्यूआर एंड कंपनी. राइट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, देन एबीसी मैन्युफैक्चर्स मिरर्स एग्जाम्पल, एंड दे मैन्युफैक्चर्स ग्लासेस. मिरर्स एंड ग्लास एक्चुअली सेम ही है, बट आई विल टेक सपोर्ट सीट कवर्स. ठीक है, नाउ एमयूएल परचेसेस मिरर्स फ्रॉम एबीसी एंड सीट कवर्स फ्रॉम पीक्यूआर. ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूं. नाउ एमयूएल परचेस मिरर्स ऑफ एग्जाम्पल राइट 10 लाख, 10 लाख के मिरर्स परचेस किया. अमाउंट होती होगी, ऑब्वियसली होती होगी, क्यों नहीं. दे उनकी क्वांटिटी कितनी रहती है आप सोचो ना. ठीक है, कोई स्पेयर पार्ट है, एग्जाम्पल मशीनरी का स्पेयर पार्ट, मशीन्स सपोज राइट आई विल से मॉल्स और मशीन्स होते हैं. देखो सपोज आई विल टेक एक्स वाई जेड एंड कंपनी, दे सेल स्पेयर पार्ट्स, एंड दैट स्पेयर पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड उसका बिल बन चुका है, मंथली बिल बनता है, इसे पकड़ के चलो मंथली बिल बनता है. And these are monthly bills. And suppose that is example 120 lakhs. And there are multiple sellers who supplies, small small sellers who supplies various spare parts to MRL. अब होता क्या है? This suppose example, I will say ABC company keeps on selling. अच्छा इनका seller, इनका buyer एक ही है. ABC का buyer कितने रहेंगे? एक ही रहेगा. रीजन एमयूएल भी उनके साथ एग्रीमेंट करते टाइम बहुत क्लियरली एग्रीमेंट करेंगे, आप हमें सेल करोगे, बाकी किसको नहीं सेल करोगे. हु इज इन द डोमिनेंट पोजीशन? एमयूएल. बिकॉज एमयूएल अगर उनसे परचेस करेगी तो ही उनका सेल होगा, अदरवाइज नहीं. सिंपल. या तो ज्यादा से ज्यादा एक दो सेलर्स को सेल करते होंगे. सपोज एमयूएल को सेल करते हैं, टाटा को सेल करते हैं, तो उनके बायर्स बहुत कम है. बट इनके लिए सप्लाई करने के लिए कोई भी रेडी होगा एमयूएल को, बिकॉज एमयूएल इज अ डोमिनेंट पोजिशन. एनीवन वुड लाइक टू ट्रेड विद द एमयूएल. तो एबीसी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एबीसी एंड एमयूएल में हु इज इन डोमिनेंट पोजिशन? एमयूएल. एबीसी इज हैव टू राइट ऑब्वियसली
ऑब्जर्व ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइडेड बाय एमएल. इन दिस एग्जाम्पल अब ध्यान देना, एमएल इज बायर, एमएल इज अ बायर एंड एबीसी इज अ सेलर. And ABC has sold goods of rupees 10 lakhs in 1 week, 2 weeks, 1 month, as the case may be. ABC is a small player. They have to purchase, they have to manufacture that spare part and has to sell to whom? ML. And now, and ML is a big player. Unko paise ka itna problem nahi rahega, to be very frank. Obviously, unka management rahega, cash management, but main phir bhi bol raha hu. Now, obviously, MUL being a dominant position will ask for the credit period, like 70 days credit period, 75 days credit period, 1 month, 2 month, etc. like that. जब हमारा sale होगा तब हम आपको देंगे. And obviously, ABC will agree because उनके लिए MUL के साथ contract यही बड़ी बात है. So अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना. So there is a credit period of 75 days. मतलब ABC ने आज 10 लाख का सेल किया एमयूएल को एंड एमयूएल विल पे आफ्टर 75 डेज. एबीसी के लिए पहले फाइनेंशियल रेट 10 लाख कैन बी बिग अमाउंट बिकॉज दे आर अ वेरी स्मॉल प्लेयर इन द मार्केट. नाउ दे हैव टू परचेस मेनी थिंग्स, दे हैव टू मेक द पेमेंट्स वगैरह वगैरह. तो दे फाइंड द प्रॉब्लम. सो एमयूएल क्या करता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. एमयूएल उनको बोलता है, एक काम करो, ड्रॉ बिल ऑन अस, ड्रॉ बिल ऑन अस. आप हम पे बिल ड्रॉ करो 10 लाख का और 75 डेज, हम एक्सेप्ट करेंगे और यू कैन गो एंड डिस्काउंट, यू कैन गो एंड डिस्काउंट. जब एबीसी उसके बैंक में जाएगा, ठीक है, जब एबीसी उनके बैंक में जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, जब एबीसी उनके बैंक में जाएगा तो होगा क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड. डू यू थिंक कि एबीसी का उतना क्रेडिट वर्दिनेस होगा, उसकी बैंक उसको डिस्काउंट करवा के देगी? आई डोंट थिंक सो. देयर विल बी डाउट. तो बैंक देखो, एमयूएल इज द बायर, एबीसी इज सेलर एंड बैंक. नाउ एबीसी ने इन पे बिल ड्रॉ किया, इन्होंने बिल एक्सेप्ट करके किसको दे दिया, एबीसी को दिया. एबीसी बैंक ने लिया और डिस्काउंट करने को. एमयूएल की जगह सपोज पीक्यूआर है, बैंक एबीसी बैंक को बोलेगा डिस्काउंट द बिल एंड ऑन ड्यू डेट कलेक्ट अमाउंट फ्रॉम पीक्यूआर. बैंक विल बी हेजिटेंट बिकॉज इफ दे हैव टू कलेक्ट मनी फ्रॉम पीक्यूआर, पीक्यूआर शुड ऑनर द बिल. एंड अगर पीक्यूआर डिसऑनर करता तो एबीसी से पैसे लेने होंगे, देयर कैन बी चैलेंज बिकॉज दे आर नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग. जितना एमयूएल स्ट्रॉन्ग है उतना ये लोग एक प्लेयर नहीं है. तो होगा क्या, राइट, बैंक विल बी हेजिटेंट और बैंक में ले भी मोर डिस्काउंट, जानबूझ के ज्यादा डिस्काउंट लगाएगी. बट अगर इसको एमयूएल रखो तो अब क्या होगा, बैंक वाले सोचेंगे यार ये बिल तो एमयूएल मारुति उद्योग लिमिटेड ऑनर करने वाला है, मारुति तो डिसऑनर नहीं करेगा, उनका क्रेडिट वर्दिनेस बहुत अच्छा है मार्केट में, नाम अच्छा है, सब अच्छा है, तो आग बंद कर करके डिस्काउंट करेगा. ये एबीसी को देख के नहीं डिस्काउंट कर रहे, ये एमयूएल को देख के डिस्काउंट कर रहे. कौन ड्रॉबी है बिल का, कौन ऑनर करने वाला, एमयूएल. कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑनर होगा ही होगा, राइट, कभी उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएंगे. एग्जांपल दे रहा हूं मैं. सो बैंक लुक्स टू होम ड्रॉबी. तो एक्चुअली होगा क्या, रियल लाइफ में होता क्या है कि अगर एमयूएल का एमयूएल ड्रॉबी है, बजाज ड्रॉबी है, टाटा ड्रॉबी है, समझ में आ रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बड़े बड़े कंपनीज ड्रॉबीज है, तो एनीवन विल डिस्काउंट द बिल बिकॉज दे नो दिस पीपल विल ऑनर द बिल. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब क्या होगा, तो अब एमयूएल क्या करेगा, एमयूएल एक लिस्ट बनाएगा, उनके सेलर्स की लिस्ट बनेगा, सेलर वन, सेलर टू, सेलर थ्री, लाइक दैट एक लिस्ट बनाएगा. सेलर फाइव, क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, ये जो छोटे छोटे उनके एंसिलरी इंडस्ट्रीज है ना रिलेटेड, जिनसे वो परचेस करते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाएगा और एमयूएल उसके बैंक में देगा, उसके बैंक में देगा. एमयूएल की बैंक सपोज एग्जांपल हम लेके चलते हैं एसबीआई में, और एसबीआई को बोलेगा ये हमारे ऑथराइज सेलर्स है, दिस 5, 6, 10, 100, 200, 1000 पीपल्स आर आर सेलर्स,
तो ये हमें सेल करेंगे और ये हम पे बिल ड्रॉ करेंगे, हम एक्सेप्ट करके देंगे और इनके बिल आप डिस्काउंट करो, मतलब इनको प्रॉब्लम नहीं आएगा, दे विल गेट फाइनेंस विद इन टाइम। और फिर और हमारा क्रेडिट पीरियड स्टैंडर्ड रहेगा सपोज 75 डेज, 75 डेज के बाद आप हमारे अकाउंट से पैसा भी ड्रॉ करो। सो एक्चुअली डिस्काउंटिंग कहाँ पे हो रही है? डिस्काउंटिंग ड्रॉवर के बैंक में नहीं हो रही है, ड्रॉवी के बैंक में डिस्काउंटिंग हो रही है। एंड सपोज नॉर्मल डिस्काउंट चार्जेस आर 12%, एमयूएल कैन इन्फ्लुएंस द एसबीआई और उनको बोलेगा 8% में डिस्काउंट करवा के दो। इसमें इन सेलर्स का फायदा होगा बिकॉज एमयूएल इज अ बिग प्लेयर, इवन बैंक विल लिसन टू देम। ये रियल लाइफ में होता है, क्या होता है, जो सेलर है ना, बड़ा वाला सेलर, ये उसके जो सप्लायर से ना उसकी लिस्ट बनाएगा एंड विल गिव टू होम हिज बैंक, बोलेगा देखो आई एम सपोज टू पे आफ्टर 75 डेज, बट इनको पैसों की जरूरत रहेगी तो ये मेरे पे बिल ड्रॉ करते रहेंगे और मैं एक्सेप्ट करके राइट इनको दे दूंगा एंड दे विल डिस्काउंट द बिल विद यू। यू हैव टू ऑनर जहां जहां पे मेरा नाम है, और ऑब्वियसली एक लिस्ट दी जाएगी तो बैंक को भी पता रहेगा कौन इनके सेलर्स है। एंड आप बाकी लोगों को 12% लगा तुम डिस्काउंट, नहीं, इन लोगों को 8% लगा। इसमें इनका फायदा होगा, दे विल बी हैप्पी, बैंक को भी बिजनेस मिल रहा है एंड एमयूएल का भी काम हो रहा है। तो रियल लाइफ में किसको देख, ये होता है एक्चुअल योर अरेंजमेंट। बिल्स आर डिस्काउंटेड नॉट एट ए ड्रॉवर्स एंड और इन ड्रॉवर्स बैंक, एक्चुअली ड्रॉवी के बैंक में डिस्काउंट होता है। दिस इज अ रियल लाइफ सिनेरियो, बिकॉज एट द एंड ड्रॉवी को ही पे करना है ना, तो इनको पैसा मिलेगा, कौन देगा पैसा, ड्रॉवी की बैंक देगी एंड 75 डेज के बाद ड्रॉवी की बैंक उसके अकाउंट से रिकवर करेगी। एज सिंपल एज दैट। एंड इसमें हु इज एट अ डोमिनेंट पोजीशन, एमयूएल। तो ये लोग एमयूएल का भी सुनेंगे, इवन बैंक विल आल्सो लिसन टू एमयूएल। एमयूएल वाले कभी बोल सकते, अगर एसबीआई वाले नहीं सुनते तो हम अकाउंट दूसरे बैंक में शिफ्ट करेंगे, उनके लिए तो रेड कार्पेट डाला जाएगा एंट्री के लिए, आ जाओ। इवन दिस बैंक मैनेजर विल आल्सो लिसन एवरीथिंग। सो दिस इज अ रियल लाइफ सिनेरियो। डिस्काउंटिंग कहाँ पे होती है? हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग ड्रॉवर के बैंक में होती है, बट इन मैक्सिमम केसेस यू विल लर्न डिस्काउंटिंग ड्रॉवी के बैंक में होती है। ड्रॉवर विल गो एंड विल डिस्काउंट, आपको किसी एक बैंक में डिस्काउंट करना है ना, तो ड्रॉवी बोलेगा मेरे बैंक में आकर डिस्काउंट करो, मुझे मैं मेरे बाद में मेरे बैंक में पैसे वो मेरे अकाउंट से भी ड्रॉ करेंगे, डोंट वरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको पैसे मिलने से मतलब, इवन आई कैन इन्फ्लुएंस, जो 12% डिस्काउंट का रेट है आपको 8% पे ही मिलेगा, तो आपका भी 4% का फायदा होगा। समझ में आ रहा है? एंड दिस इज ए रियल लाइफ, दिस इज मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। सो मैक्सिमम केसेस में राइट, वंस यू पास आउट, वंस यू स्टार्ट जॉब या प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, तब आप सीखोगे ये सब चीजें कि होता क्या है रियल लाइफ में। सो किसी ने पूछा है, सर व्हाई सेलर्स गो फॉर डिस्काउंट एज द फाइनल डिस्काउंट एक्सपेंसेस हैज टू बी पेड बाय सेलर्स इवन दो स्मॉल प्लेयर। आई डिडंट गेट द क्वेश्चन। एक सिंपल चीज है, दे रिक्वायर मनी, व्हाई यू डिस्काउंट द बिल? बिकॉज यू रिक्वायर मनी, यू वांट टू वेट फॉर 75 डेज। आप बोलोगे थोड़ा डिस्काउंट आया तो चलेगा, कल ऑलवेज रिमेंबर 34 लाख्स आफ्टर 75 डेज एंड 34 लाख्स टूडे विच इज मोर इम्पोर्टेंट। 34 लाख्स टूडे इज मोर इम्पोर्टेंट, टुडे आज पैसे चाहिए आपको, इसलिए आप डिस्काउंट कर रहे हो ना। व्हाई आर यू डिस्काउंटिंग, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड द डिस्काउंटिंग, ये समझ लेना। पर्पस बिहाइंड द डिस्काउंट इज वेरी सिंपल राइट। क्या पर्पस है? कि आपको राइट फंड चाहिए, समझ में आ रहा है? सो 34 लाख्स टुडे इज कैरीज मोर वैल्यू देन 34 लाख्स आफ्टर 75 डेज। ऑब्वियसली पैसे अगर आज ही मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू बेयर सम डिस्काउंट, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। So this is actual right example. So real life में ऐसे discounting होती है, ये वाला example जो मैंने दिया है ना, ऐसे discounting होती है। And जब मैं when I was doing CA, मैंने बहुत जगह पे देखा भी है, इसलिए as a जब मैं articleship करता था तो बहुत जगह पे मैं ये ऐसे transaction देखता था। And even I used to be take surprise कि अरे यार ये Drawee के banks में discount कर रहे हैं। Reason is very simple, Drawee is very big player. तो वहां पे उसके एक्चुअली बैंक उसको देख के डिस्काउंट कर रही है,
आपको देख के नहीं, समझ में आ रहा है? और अगर आप डिस्काउंट करने जाओगे तो ऑलमोस्ट ज्यादा रेट लगाएंगे डिस्काउंटिंग का, बट वही ड्रॉवी डिस्काउंट करता है तो उनका रेट बहुत कम है, समझ में आ रहा है? वो ड्रॉवी हैज इन्फ्लुएंस। हाँ, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि ड्रॉवर खुद बहुत बिग प्लेयर है, लाइक रिलायंस एंड टाटा के बीच में ट्रांजेक्शन है तो फर्क नहीं पड़ता कहाँ पे भी डिस्काउंट, बोथ आर बिग प्लेयर्स। बट मैं जनरली बोल रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में एक बड़ी इंडस्ट्री रहती है एंड उसके आजू बाजू में छोटे छोटे स्मॉल एंसर इंडस्ट्रीज रहती है, तो उनके केस में जनरली वहां पे ही आपको बिल्स मिलेंगे, सर्विस सेक्टर में हार्डली आपका वहां पे बिल्स देखोगे, ठीक है? सो मैंने पहले ही बोला राइट, बिल्स आर वेरी रियल ट्रांजेक्शन, बट यस दे आर देयर एंड जनरली ऐसे होते हैं, ठीक है? आगे ठीक है, दिस वॉज वन थिंग। नेक्स्ट, मैंने एक और चीज बोली थी कि आई विल डिस्कस अबाउट फॉरेन बिल, राइट? सो आई विल टेक यू टू द फॉरेन बिल, जस्ट अ सेकंड। ये सब चीजें वन मस्ट नो यार, एज ए यू आर स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू मस्ट नो टेक्स्ट बुक में एवरीथिंग गिवन मे नॉट बी करेक्ट, या वो एग्जाम ओरिएंटेड होता है, व्हाट इज द प्रैक्टिकल, एट द एंड यू हैव टू लिव इन ए प्रैक्टिकल वर्ल्ड। आप ऐसे नहीं कर सकते कि एग्जाम में ऐसे लिखा था, ये मैं बोलता हूँ ना, आपको कोई नहीं बोलेगा, ये भी मैं आपको बोलता हूँ, बिकॉज पहले जो पहले तो ये चीजें पता होनी चाहिए। ध्यान देना, एग्जाम्पल्स ऑफ फॉरेन बिल ठीक से पढ़ो, क्या लिखा है पढ़ो ऊपर, ठीक है? समटाइम्स इट मे हैपन दैट बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन फॉर ए फॉरेन ट्रेड ऑपरेशंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट केस में, ठीक है? सच ए बिल इज नोन एज फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज। ए फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज इज द वन विच इज ड्रॉन इन वन कंट्री एंड इज पेएबल इन अनादर कंट्री, drawn in one country and payable in another country. It is generally drawn up in triplicate, मतलब तीन copies बनते हैं. Foreign bill के कितनी copies बनते हैं? तीन copies. Wherein each copy is sent by separate post so that at least one copy reaches the intended party. Payment will be made only on one of the right? Only on one of the copies and when such payment is made, the other party copies becomes useless. मतलब हमें आजकल पोस्ट से कौन नहीं भेजता एक्चुअली, आज सब ईमेल पे चीजें होती है, ठीक है? सो ये पहले दिस इज 1881 का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट था, तब की बात कर रहे हैं, तब पोस्ट वगैरह चलता होगा। नाउ टुडे एवरीथिंग इज ऑन यू कैन से मेल एंड एवरीथिंग, ठीक है? डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं साइन करने के लिए। सेक्शन 12 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट प्रोवाइड्स दैट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स व्हिच आर नॉट इनलैंड आर फॉरेन। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट रहेगा? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट रहेगा। देखते हैं सम ऑफ द एग्जांपल्स दिए। देखो, ए बिल ड्रॉन इन इंडिया ऑन ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेएबल आउटसाइड इंडिया। मैं एक टेबल बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है? हम देखते हैं, मैं इसको ही कंटिन्यू करता हूं, ध्यान देना। एंड दिस थिंग्स आर राइट प्रैक्टिकल थिंग्स। सो मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, बिल ड्रॉन इन, ठीक है? हाँ, एक एक देखते हैं किधर गया वो। हाँ, मैं यहां पे लेके आता हूं, एक देख।
क्या लिखा है, बिल ड्रॉन इन इंडिया ऑन ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेएबल आउटसाइड इंडिया। अच्छा ठीक है, बिल ड्रॉन ठीक है, बिल ड्रॉन ऑन बिल ड्रॉन इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, बिल ड्रॉन ऑन इंडियन और नॉन इंडियन, ठीक है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देखते हैं एक सेकेंड। मैं जानबूझ के समझा रहा हूं, ठीक है, आगे पेबल, प्रो पेबल कहां पे, फर्स्ट बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया मतलब Suppose bill is drawn in Sydney, bill is drawn in New York, bill is drawn in Colombo, example, ठीक है, उसमें क्या लिखा है पढ़ो, on a person resident outside India, bill drawn in India on resident, resident of India, non-resident of India, क्या ना रहा है? एग्जाम्पल मैं ऐसे लेता हूं, रेसिडेंट ऑफ इंडिया पेबल इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, ठीक है, सेकंड, दिस इज सेकंड केस, थर्ड केस ध्यान देना, बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया ऑन नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पेएबल इन इंडिया और पेएबल आउटसाइड इंडिया, दिस इज फोर्थ केस। फिफ्थ, बिल ड्रॉन इन इंडिया ऑन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, payable in India. Six, bill drawn in India on resident of India, however payable outside India. Number seven, number eight, drawn in India, drawn in India on non-resident, non-resident. जैसे ऊपर लिखा है वैसे लिखता हूँ, non-resident Indian, ठीक है, non-resident Indian, payable in India, मैंने केसेस लिखे, I will discuss those cases, बहुत सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, definitely नहीं है, so क्या बोलो ध्यान देना, ठीक है, ओके, बिल तीन केसेस है, तीन चीज है, एक है कहां पे ड्रॉ हुआ है, इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, एक बिल दिल्ली में ड्रॉ हुआ है या सिडनी में ड्रॉ हुआ है, दूसरा होता है कि किस पे ड्रॉ किया है, इंडियन पे ड्रॉ किया है या फॉरेनर पे बिल ड्रॉ किया है, ठीक है, एंड तीसरा वो पे कहां पे करना है, इंडिया में पे करना है कि इंडिया के बाहर पे करना है, बिल ड्रॉ कहां पे किया है, इंडिया या आउटसाइड इंडिया, किस पे बिल ड्रॉ किया, इंडियन या नॉन या फॉरेनर, एंड तीसरा पे कहां पे करना, इंडिया में आउटसाइड इंडिया, तो उन्होंने क्या बोला है ध्यान देना, ठीक है, फॉरेन बिल इज, आई विल गो केस टू पहले, क्या लिखा है पढ़ो, फॉरेन बिल की केस क्या लिखा है पढ़ो, सेकंड एग्जांपल इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में, बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया ऑन ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, bill drawn outside india
ऑन पर्सन क्या लिखा है उन्होंने, पर्सन राइट, बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया ऑन ए पर्सन रेसिडेंट, अच्छा दिस इज फॉरेन बिल, दिस इज फॉरेन बिल, कौन सा देखो, बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया ऑन एनआरआई, फिर वो एग्जाम्पल ट्रम्प ड्रॉस बिल, ट्रम्प ड्रॉस बिल ऑन सपोज हिज फ्रेंड इन न्यूयॉर्क, मे बी पेएबल इन न्यूयॉर्क और मे बी पेएबल इन इंडिया, पेएबल फिर देखा नहीं जाएगा, क्या बोलो ध्यान, बिल ड्रॉन बाय फॉरेनर राइट, बिल क्या बोलो ध्यान देना, बिल ड्रॉन इन आउटसाइड इंडिया राइट ऑन फॉरेनर इज ऑलवेज अ फॉरेन बिल, देन नेक्स्ट बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेएबल इन इंडिया, ठीक है, एंड द लास्ट वन बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेएबल आउटसाइड इंडिया, सो दिस इज फॉरेन बिल, दिस इज आउटसाइड इंडिया, बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया मेड पेएबल, अच्छा एग्जाम्पल्स दिए उन्होंने, ए बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया ऑन ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ओके ठीक है, आउटसाइड इंडिया परफेक्ट, आउटसाइड इंडिया फॉरेन में और फॉरेनर पे बिल, ठीक है, बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेएबल इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेएबल इन इंडिया, ठीक है, बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेएबल, बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेएबल आउटसाइड इंडिया, ओके आई विल गो एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर सेक्शन में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है सेक्शन 12 का, एक सेकंड, सेक्शन 12 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यहाँ पे देखा दिया है देखो, ठीक है यहाँ पे दिया है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 12 देखो, एनी सच इंस्ट्रूमेंट सो नॉट सो ड्रॉन राइट मेड और मेड पेएबल शैल बी डीम टू बी द फॉरेन बिल, सो इन सिंपल वर्ड्स प्रॉमिसरी नोट यहाँ पे देखो, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट सेक्शन 11, ए प्रॉमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, देयर आर थ्री निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ना, प्रॉमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स, ड्रॉन और मेड इन इंडिया, ड्रॉन और मेड इन इंडिया, इन इंडिया, मेड पेएबल और ड्रॉन अपॉन एनी रेसिडेंट इन इंडिया शैल बी डीम्ड टू बी इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये वाला हमेशा इनलैंड रहेगा, ड्रॉन इन इंडिया राइट and made payable to India, this is inland bill, try to understand, this is inland, this is inland bill, yes sir foreign bills hai, jab bhi drawn outside India rahega, it has to be foreign bill, fir wo kis pe draw kiya hai jaane do, bill drawn outside India agar rahega, fir wo resident pe ho ya foreigner pe ho, इंडिया में पेएबल हो या फॉरेन में पेएबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देना, इफ एनी बिल विच इज ड्रॉन आउटसाइड इंडिया आग बन करके दैट इज अ फॉरेन बिल, दैट इज अ फॉरेन बिल, ठीक है, नहीं बिल ड्रॉन इन इंडिया, लेट मी शो यू एक सेकंड, क्या लिखा है यहां पे, अच्छा अच्छा ये आया होगा, नीड टू चेक मॉड्यूल, एग्जाम्पल्स दिए थे उन्होंने, एग्जाम्पल्स पे आता हूं, ये वाला ठीक है, बिल ड्रॉन इन इंडिया, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, स्क्रीन थोड़ी स्लो है एक सेकंड, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल, बिल ड्रॉन इन इंडिया ऑन ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेएबल आउटसाइड इंडिया, ये वाला बिल ड्रॉन इन इंडिया on a person resident outside India and outside India, this is foreign bill, this is inland bill, inland bill, so ये cases बन गए आपके, अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना,
व्हिच आर फॉलोइंग बिल, दिस इज मैंने आपको दिखाया कि डेफिनेशन से लॉ से दिखाया मैंने, ध्यान देना, एनी बिल विच इज ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, आप बन करके एक फॉरेन बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, इंडिया के टेरिटरी के बाहर अगर बिल ड्रॉ हुआ है, राइट, बिकॉज आप देखते हो ड्रॉवर हैज टू राइट हिज प्लेस, अगर बिल इज ड्रॉन आउटसाइड इंडिया इट हैज टू बी फॉरेन बिल, आग बन करके आगे देखो ही मत, फिर वो इंडिया में पेएबल होगा या फॉरेन में पेएबल होगा, इंडियन पे बिल ड्रॉ किया होगा या फॉरेनर पे बिल ड्रॉ किया होगा, सोचना ही नहीं, खाली क्या देखना है कि इफ बिल इज ड्रॉन आउटसाइड इंडिया इट हैज टू बी फॉरेन बिल, एंड दूसरा बोला है बिल ड्रॉन इन इंडिया, इंडिया में बिल ड्रॉ हुआ है बट फॉरेनर पे बिल ड्रॉ हुआ है एंड पेड आउटसाइड इंडिया इट इज ऑल्सो ए फॉरेन बिल, सो इवन बिल ड्रॉन इन इंडिया, एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी जी ड्रॉस बिल इन दिल्ली ऑन ट्रम्प विच इज हु इज अ फॉरेनर एंड मेड पेएबल इन न्यूयॉर्क, नरेंद्र मोदी राइट द पीएम ऑफ इंडिया ड्रॉस ए बिल इन दिल्ली ऑन ट्रम्प ए नॉन रेसिडेंट इंडियन पेएबल इन सिडनी, आप बोलोगे सर ये तो इंडिया में बिल ड्रॉ हुआ है बट ऑन फॉरेनर पेएबल इन फॉरेन सच बिल इज फॉरेन बिल, इफ नरेंद्र मोदी ड्रॉज बिल ऑन अमित शाह पेएबल इन अहमदाबाद, सो बिल इज ड्रॉन इन इंडिया ऑन रेसिडेंट पेएबल इन इंडिया इज इंडियन बिल इन लैंड बिल, इन लैंड बिल नरेंद्र मोदी ठीक है ड्रॉज ए बिल इन दिल्ली ऑन ऑन सपोज अमित शाह पेएबल इन सिडनी, स्टिल इट इज इनलैंड बिल, पेएबल भले ही सिडनी में है बट इट इज ड्रॉन ऑन रेसिडेंट, रेसिडेंट राइट, या आप बोलो ऐसे भी देख सकते हो, दूसरा ठीक है ट्रम्प ड्रॉज बिल इन दिल्ली, ट्रम्प ड्रॉज बिल इन दिल्ली ऑन नरेंद्र मोदी पेएबल इन न्यूयॉर्क, चल जाएगा इट इज इनलैंड बिल, स्टिल इट इज इनलैंड, स्टिल इट इज इनलैंड बिल, आगे नेक्स्ट दूसरा नरेंद्र मोदी ड्रॉज बिल ऑन ट्रम्प पेएबल इन दिल्ली इज इंडियन बिल, इनलैंड बिल, सो ये समझ में आना चाहिए आपको एंड दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ, आपके बुक में क्या लिखा था बिल राइट, आपके बुक में लिखा था बिल मेड इन वन कंट्री पेएबल इन अनदर कंट्री, तो मेड इन कंट्री पेएबल इन अनदर कंट्री इज नॉट नेसेसरी, देखो ना आउटसाइड इंडिया, सपोज आउटसाइड इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया है इट हैज टू बी फॉरेन बिल, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन, तो लिख लेना टेबल फॉर जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस इज द फाइनल टेबल टाइप, विच इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सो नाउ सो इवन बिल्स ड्रॉन इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया है तो हमेशा फॉरेन बिल रहेंगे हमारे लिए, बिल्स ड्रॉन इन इंडिया सॉरी बिल्स ड्रॉन इन इंडिया कैन बी फॉरेन बिल इफ दे आर पेएबल आउटसाइड इंडिया, bills drawn in India right can be foreign bills if they are drawn on NRI and payable outside India, NRI pe India mein payable hoga to Indian bill hai, inland bill hai, try to understand kya bol raha hu, aapne NRI pe bill draw kiya hai but India mein hi payable hai to bhale aapne NRI pe bill draw kiya payable in India hai to that is a inland bill, theek hai so this is right actual, this is section 12, section 11 plus section 12 of negotiable instrument act 1881 का जो sections है वहां से table बनाया मैंने, ठीक है so this is the total thing, आप बोलोगे सर आज आप अलग ही बोल रहे हो बट ये पता होना चाहिए, chapter हो चुका है तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा the words that I use and everything, ठीक है now like Always remember one thing, ये बहुत important है, bookish knowledge will not help you to survive, you need something more, खुद का knowledge बहुत important है, skill develop होना चाहिए,
डिग्री अलवेज डज नॉट गिव यू प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट, स्किल स्किल सेट गिव्स यू एम्प्लॉयमेंट. टूडे राइट मे बी राइट आप देखोगे पीएम, आप पीएम इज उसको चाय वाला बोलते हैं, बट उसमें स्किल्स है, ही कैन लीड ए पार्टी, ही कैन लीड ए नेशन, इसलिए वो पीएम है. सो डिग्री तो राहुल गांधी के पास भी है, बट डज नॉट मेक हिम दैट लाइक एलिजिबल टू लीड द कंट्री. मैं वही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ. डिग्री एक पार्ट है आपके लाइफ का, बट स्किल सेट सबसे इंपॉर्टेंट है. धीरू भाई अंबानी के पास अगर आप उसका इनका एजुकेशन देखोगे तो एजुकेशन कुछ भी नहीं था, बट राइट यू नो हिज हिस्ट्री. सो स्किल सेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एजुकेशन अगर एजुकेशन होना ही चाहिए, अगर एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता तो धीरू भाई ने उनके बच्चों को सिखाया नहीं होता. एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, वो ले नहीं पाए उनका वो अलग चैलेंज रहेगा. अगर उनको एजुकेशन भी वो ले पाते, उनकी फैमिली उनको सपोर्ट कर पाती या जो कुछ भी था तो वो लेती भी, बट उन्होंने जो उनको नहीं मिला उन्होंने उनके आगे राइट फैमिली को दिया. एंड एट द सेम टाइम राइट स्किल सेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो नॉलेज डेवलप करो, बिल्ड करो, एंड दिस इज द राइट टाइम. आगे नेक्स्ट. सो हम लोग यही कर रहे थे ना, हाँ टेक्स्ट बुक पे थे. चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11. यू हैव टू राइट ए टेस्ट, था ये पकड़ के चलो. सैटरडे या संडे को आपको प्रॉपर टेस्ट लिखनी है. ठीक है, जैसे प्रॉपर 4-5 क्वेश्चन दे दूंगा मैं, वो आपको टेस्ट लिखनी है. ठीक है, मैं वो बराबर शेड्यूल करूंगा, वो उसके लिए पढ़ाई करना स्टार्ट करो. देखते हैं. जनरली लेक्चर्स में तो मैं खुद 12th के टेस्ट के लिए मैं खुद खड़ा रहता हूँ. 12th के लिए ऑब्वियसली आई एम लिटिल बिट सीरियस राइट. 11th में भी मानता हूँ फर्स्ट ईयर रहता है, बच्चे थोड़ा रिलैक्स रहते हैं वगैरह, सब ठीक है. 12th में मैं ढीला नहीं छोड़ता बच्चों को. सो सैटरडे या संडे आपको टेस्ट लिखनी होगी. कैसे कंडक्ट की जाएगी, क्या की जाएगी, आई विल राइट मैं वो सब इन्फॉर्म कर दूंगा. सो डोंट वरी, बट पढ़ाई करो. सब टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सब टाइप के क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11. जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ राइट अभिषेक. अभिषेक के बुक्स में एंट्री पास करनी है. इन द बुक्स ऑफ अभिषेक नेवर से ड्रॉवर और ड्रॉइंग, नेवर से. रीजन इज वेरी सिंपल, मैंने आपको बोला भी है कि क्या होता है इफ यू से ड्रॉवर और ड्रॉइंग राइट. इन दैट केस समटाइम्स इज अ ड्रॉवर, समटाइम्स इज अ ड्रॉइंग. ठीक है, सो बेटर नॉट टू से ड्रॉवर और ड्रॉइंग. ठीक है, आगे. सो सिद्धार्थ इन्फॉर्म्स अभिषेक दैट, दिमाग में अब बत्ती जलनी चाहिए. जब भी ऐसे रहेगा समवन इन्फॉर्म्स अस मींस बिल डिसऑर्डर हुआ होगा. ठीक है, सिद्धार्थ इन्फॉर्म्स अभिषेक दैट वी नीड एक्सेप्टेंस राइट. वी नीड एक्सेप्टेंस, विनीत के लिए बिल्स पेबल, हमारे लिए बिल्स एक्सेबल रहेगा. इवन सिद्धार्थ के लिए भी वो बिल्स एक्सेबल ही रहेगा. फॉर रुपीज 20,000 23,000 एंडोर्स टू सिद्धार्थ हैज बीन डिसऑनर्ड नोटिंग चार्जेस फॉर 30. So, क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक है विनीत, एक है विनीत. विनीत का एक्सेप्टेंस था, हमको ने अभिषेक, उसने हमें एक्सेप्टेंस दिया था. एंड ये एक्सेप्टेंस हमने सिद्धांत को क्या किया था राइट एंडोर्स किया था. ये डिसऑनर हो गया तो अभिषेक के बुक्स में एंट्री क्या आएगी, विनीत अकाउंट डेबिट टू सिद्धांत अकाउंट क्रेडिट. देयरफॉर फर्स्ट एंट्री इज विनीत अकाउंट डेबिट टू सिद्धांत अकाउंट क्रेडिट 23,000 बिल अमाउंट. विनीत अकाउंट डेबिट टू सिद्धांत अकाउंट क्रेडिट 23,000. नेक्स्ट बी,
कोई नोटिंग चार्जेस हैं? अगर नोटिंग चार्जेस होते तो मैं ऐड करके एंट्री डाल देता। नेक्स्ट, काजल रिन्यूजर एक्सेप्टेंस, काजल रिन्यूजर एक्सेप्टेंस, तो काजल का एक्सेप्टेंस काजल के लिए बिल्स पेबल, हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल रहेगा। काजल रिन्यूजर एक्सेप्टेंस टू अस, ठीक है, हम अभिषेक हैं, फॉर रुपीज 39,000 बाई पेइंग 3,000 इन कैश एंड एक्सेप्टिंग ए फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 11.5% पर एनम फॉर 3 months। सो टोटल 39,000 का बिल था, उसमें से सी इज रेडी टू पे यू, एक सेकेंड, टोटल 39,000 का बिल था, सी इज रेडी टू पे यू 3,000 ऑफ दैट, सो टोटल 36,000 का बाकी है, 36,000 का बाकी है, ठीक है, क्या बोला है वहां पे, 36,000 बाकी है 11.5%, समवन प्लीज पे मी द इंटरेस्ट फॉर 3 months, 3/12, प्लीज। दिस विल बी 90, सो 0045 4 कैरी 13 1 कैरी, इज इट 1035, प्लीज कंफर्म 1035, लेट मी चेक। यस परफेक्ट, 1035, थैंक यू। सो इंटरेस्ट कितना लगेगा, 1035, सो वो हमें 3000 कैश में देने वाला है एंड बैलेंस अमाउंट के लिए वो बिल एक्सेप्ट करने वाला है अलोंग विद इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट विल अपीयर इन बिल। तो क्या एंट्री आ जाएगी, पहले डिसऑनर करना होगा और फिर रिन्यू, तो पहले काजल अकाउंट डेबिट, काजल अकाउंट डेबिट 39,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 39,000, काजल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल बीइंग बिल डिसऑनर्ड, सेकंड काजल टू बिल्स रिसीवेबल, सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी, सेकंड एंट्री आ जाएगी कि हमें ये बिल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ना, सो काजल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 1035 टू इंटरेस्ट 1035, एंड थर्ड सेटलमेंट कैश अकाउंट डेबिट, सी पेज विथ 3000, राइट, इन न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड डेबिट कितना 36 ना, 36,000 प्लस 1035 37,035 टू काजल 40,035, ठीक है समझा, 40,035 एज सिंपल एज दैट। सो तीन एंट्रीज आ गए, आगे ए हुआ बी हुआ, नाउ सी राधिका रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस टू अभिषेक, राधिका रिटायर्ड हर एक्सेप्टेंस, राधिका के लिए बिल्स पेएबल, उसके छोड़ के बाकी सबके लिए बिल्स रिसीवेबल, तो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल रहेगा फॉर 23,000 बाय पेइंग 22,250 बाय चेक, सो एक ऑनर की एंट्री है सी, सो वी रिसीव कैश, कैश नहीं चेक है तो बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल ऑनर्ड, कितने का बिल था, बिल था 23,000 का, बिल था 23,000 का एंड उसमें से 22,250 रिकवर हुए, 750 इज अ रिबेट, 750 इज रिबेट, परफेक्ट। सो दिस इज रिटायरमेंट ऑफ द बिल। नोटिंग चार्जेस थे क्या, लेट मी चेक कहाँ पे, नहीं ना, नोटिंग चार्जेस किधर थे, नहीं थे नोटिंग, अच्छा अच्छा ऊपर वाला, अच्छा यहाँ पे नोटिंग चार्जेस थे, मैंने वो पढ़ा ही नहीं, नोटिंग चार्जेस अमाउंटेड टू 430, तो यहाँ पे मैंने बोला ना अगर नोटिंग चार्जेस होंगे तो इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, वो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है, मेरे से वो सेंटेंस मिस हो, 430, ठीक है, आगे नेक्स्ट
सी हो गया, अब डी करते हैं। रिटायरमेंट इज द ऑनर बिफोर द ड्यू डेट एंड इनकैशमेंट ऑफ द बिल बिफोर ड्यू डेट इज अ डिस्काउंटिंग। ऑनर बिफोर ड्यू डेट रिटायरमेंट इन कैश मतलब सेल करना, कैश करना उसको, कैश राइट इन कैश दैट इज डिस्काउंटिंग। सी नाउ डी, अभिषेक सेंट ए बिल ऑफ सुबोध फॉर रुपीज 9000। अभिषेक सेंट ए बिल ऑफ सुबोध, बिल ऑफ सुबोध मतलब सुबोध के लिए बिल पेएबल, हमारे लिए बिल सेबल ऑफ रुपीज 9000 टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक इन्फॉर्म दैट बिल हैज बीन डिसऑनर्ड। तो दो इवेंट्स, एक उसने बिल ट्रांसफर किया एंड दूसरा है वो डिसऑनर हो गया बिकॉज बीच में फुल स्टॉप है। तो दीज आर टू सेंटेंसेस, टू एक्टिविटीज। डी देखते हैं, फर्स्ट बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री आएगी, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। टू बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, एंड फिर वो डिसऑनर हो गया। तो किसका बिल था वो और अमाउंट देखता हूं मैं। अभिषेक सेंड सुबोध 9000। अच्छा, सुबोध का बिल हमने कलेक्शन के लिए भेज दिया, तो बिल आप बैंक को देख के आओगे तो बिल रिसीवेबल गोज आउट क्रेडिट एंड एक टेम्पररी अकाउंट बन गया बिल रिसीवेबल। एंड अगर ये ऑनर होता है तो एंट्री आएगी बैंक टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बट अगर डिसऑनर होगा तो एंट्री आ जाएगी, अगर डिसऑनर होगा तो एंट्री आ जाएगी, डिसऑनर हुआ है ना तो सुबोध ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, सुबोध अकाउंट डेबिट टू, सुबोध अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 9000। ठीक है, दिस इज डिसऑनर की एंट्री। आई थिंक चार ट्रांजैक्शन थे, चारों के चारे हो गए। कुछ डिफिकल्ट है? कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज सिंपल। एक बार पूरा चैप्टर समझ में आ गया ना, कुछ भी नहीं उस चैप्टर में। हाँ यस, मैं ये भी बोलता हूँ, देयर विल बी स्टूडेंट 10-20% जिनको नहीं आता होगा, इंट्रीज नहीं समझ में आते सर, अनलेस एंड अंटिल यू प्रैक्टिस। आपको आपके दिन के मैं बोलता हूँ, जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, देयर टू गिव 3-4 आवर्स, 2-3 दिन देना और करते रहो करते रहो, समझने का ट्राई करो, खुद को समझाओ, आंसर आ जाएगा। क्योंकि कैसे होता है कि बहुत बार हम बहुत सारी चीजें कैजुअली लेते हैं, नथिंग एल्स, एंड मैं ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा हूं। जब आप लेक्चर अटेंड करते हैं ना, वो भी अगर आपने 100% ध्यान देके किया ना, तो भी मोर देन इनफ। अभी ऑनलाइन है तो समटाइम्स इट बिकम्स डिफिकल्ट इवन फॉर मी टू जज द पीपल, बट अगर आप सिंसियरली करते हो ना, तो मैं बोलता हूँ जो मैं सिखाता हूँ ना, उसके बाद भी नहीं किया ना तो चल जाएगा, नो नीड, कोई जरूरत नहीं है। जितना मैंने किया ना इट्स मोर देन इनफ, मेरे साथ ही किया ना तो भी मोर देन इनफ है, बट आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। वो होता नहीं, ये प्रॉब्लम है, बाकी कुछ नहीं। Generalize the following transactions in the books of Narendra. Now we have to pass the entries in the books of Narendra. Narendra retires his acceptance. Oh, Narendra retires his acceptance. हमने हमारा acceptance retire किया, मतलब हमारे लिए bills payable था, हमने bills payable on किया है but पहले, तो हमें rebate मिलेगा, हमारा gain होगा. To Upendra by paying 4000 in cash and endorsing a bill accepted by Ramlal for 5000. Narendra retires his acceptance to Upendra by paying cash 4000. हमने उपेंद्र को एक acceptance दिया होगा। हमने क्या, देखो this is important, A try to understand, Narendra retires his acceptance, हम Narendra है, ठीक है, हमने acceptance दिया था किसको, उपेंद्र को, हमने bills payable accept किया था, तो ये बिल्स पेबल हमें ऑनर करना है, हमें रिटायर करना है। कैसे करने वाले हो यू, आप क्या करने वाले हो, इसको कैश देने वाले हो, कितने की कैश देने वाले हो, 4000 की कैश। तो उपेंद्र को बोल रहे हैं, ये जो हमने तुझे बिल एक्सेप्ट करवा के दिया है ना, अब वो हमें ऑनर करना है, तो ये ले ले कैश 4000 की, एंड एंडोर्सिंग ए बिल एक्सेप्टेड बाय रामलाल, एक रामलाल से बिल हमने लिया था, रामलाल से हमने बिल लिया था, ये हमारे लिए बिल सेबल था, और ये हम इसको एंडोर्स करेंगे। ये कितने का बिल था, 5000।
हम उपेंद्र को बोलेंगे ये जो बिल्स पेबल है ना कितने का रहेगा, वो 9,000 का रहेगा, वैल्यू नहीं दी उन्होंने अलग से, तो मैं बोलूंगा ये 9,000 का जो बिल है जो मैंने तेरे लिए एक्सेप्ट किया है ये हम कैंसिल करेंगे। कैंसिल मतलब मैं उसको ऑनर करूंगा, कैसे, ये 4,000 के कैश ले ले, पूरे 5,000 का राइट एक बिल ले ले, ये किसी रामलाल ने एक्सेप्ट किया है तो हमारे बुक्स में एंट्री आएगी। कैन एनीवन टेल मी द एंट्री? कैन एनीवन, आई विल अनम्यूट, रेज योर हैंड, यू हैव टू ट्राई इट। मैं जानबूझ के एंट्री आप पे छोड़ रहा हूँ, मैं बोलता हूँ बट एक बार ट्राई करो, लेट इट बी रॉन्ग, फर्क नहीं पड़ता, लेट इट बी रॉन्ग, गलती से तो सीखोगे। बोलो क्या एंट्री आनी चाहिए, व्हाट यू थिंक इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र व्हाट शुड बी द एंट्री? दिस इज अ ट्रांजैक्शन इन ऑन योर स्क्रीन। चलो देयर इज राइट, मैं तब तक लेता हूँ, बाकी तब तक सोचो। अच्छा हाँ, यस, हेलो हाँ यस प्लीज। हाँ सर, हम नरेंद्र की बुक्स में एंट्री कर रहे हैं तो पहले एंट्री ये हुई होगी कि नरेंद्र को डेटर बना दिया होगा, तो हम उसको अभी क्रेडिट करेंगे, और उपेंद्र को हमने क्रेडिटर बनाएगा तो उसको हम डेबिट करेंगे और उन दोनों का अकाउंट सेटल करेंगे। तो मुझे एंट्री चाहिए, नहीं समझा मैं। एंट्री ये होगी, उपेंद्र अकाउंट डेबिट 9,000 ओके टू बिल्स पेबल रुपीज 4,000, नहीं, उल्टा होगा। मैं बोल सोच, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्राई इट। चलो मैं तब तक दूसरे को करता हूँ, तू तू तो सब तक सोच। हाँ अच्छा, देरी तो ना जाए, चल जॉनी। हाँ सर, सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 9,000 परफेक्ट, टू कैश अकाउंट क्रेडिट 4,000 टू बिल्स रिसीवेबल 5,000। इट्स करेक्ट आंसर। सो योर आंसर इज, नहीं परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर इज, मैं बिल्स पेबल रिटायर कर रहा हूं ना, तो इसकी एंट्री आएगी, बिल्स पेबल कम हो जाएंगे, विल रिड्यूस, 9,000 के बिल्स पेबल कम हो गए, कैसे, बिकॉज यू गिव कैश, टू कैश यू गिव 4,000, अभी भी 5,000 देने बाकी ना। और मैंने आपको सिखाया है, वेन एवर यू हैव टू सेटल, वेन एवर यू हैव टू सेटल, ठीक है, यू कैन सेटल बाय गिविंग कैश, बाय गिविंग चेक, बाय एक्सेप्टिंग ए बिल और बाय एंडोर्सिंग ए बिल। ये लिख लेना कहाँ पे, सेटलमेंट कैन बी डन बाय फोर वेज। एक आप कैश दे दो, 11th में सीखा है, चेक दे दो, 11th में सीखा है, 12th में दो चीजें सीखी है, एक बिल एक्सेप्ट करो, उस केस में टू बिल्स पेबल, या किसी और ने जो एक्सेप्ट किया बिल है वो उसको चिपका दो एंडोर्समेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें राम ये आर का बिल आया था वो हमने उसको दे दिया, तो बिल से 5,000। ऑब्वियसली इसके पहले, ऑब्वियसली इसके पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, ऑब्वियसली इसके पहले व्हाट आई वांट टू टेल यू राइट, हमने उपेंद्र को एक्सेप्टेंस दिया होगा तब एंट्री बनी होगी, उपेंद्र अकाउंट डेबिट टू, हमने एन के लिए एंट्री कर रहे हैं, उपेंद्र टू बिल्स पेबल। अब ये बिल्स पेबल हमें पे करना है, तो हमने क्या किया, कैश दे दी 4,000 की, और बाकी हमने इसे एक बिल लिया होगा, आर से हमने बिल लिया होगा, तब एंट्री बनी होगी बिल्स रिसीवेबल टू आर। तो हमारे पास एक 5,000 का बिल्स रिसीवेबल है और हमें 9,000 का बिल्स पेबल पे करना है, तो 9,000 का बिल्स पेबल हमने कैसे पेड किया, 4,000 कैश दी और ये 5,000 का बिल हमने उसको क्या किया, एंडोर्स किया। सो दिस इज द एंट्री, रियली गुड ट्रांजेक्शन, दिस इज गुड ट्रांजेक्शन, ठीक है। आगे, सेटलमेंट कैन बी डन बाय गिविंग कैश, चेक, एक्सेप्टिंग ए बिल और एंडोर्सिंग ए बिल, चार तरीके से सेटलमेंट हो सकती है, ठीक है। आगे, दिलीप रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र फॉर ₹12,000 बाय पेइंग कैश 4,000 एंड एक्सेप्टिंग ए फ्रेश बिल फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 3 months। अच्छा, ये ए था, अच्छा बी कर रहे ना हम, यस बी। क्या हुआ, विक्रम एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र, विक्रम के लिए बिल्स पेबल, हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल था, बिल हमें रिटायर कर, वो क्या किया उन्होंने, अच्छा सॉरी सॉरी, ऊपर वाला ये इंपॉर्टेंट था ना, सॉरी। अच्छा मतलब बी करना है मुझे, अभी सॉरी मैं बी लेता हूं, बी, विक्रम्स एक्सेप्टेंस टू
to Narendra rupees 6,000, retired 1 month before the due date, right? At a rebate of 12% per annum. Vikram's acceptance. Vikram ke liye bills payable, hamare liye we are Narendra, hamare liye bills receivable. ठीक है, retired 1 month before the due date at a rebate of 12% per annum. So हमें कैश आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट. देखेंगे कितनी कैश आएगी. हमें रिबेट देना पड़ेगा बिकॉज वो अर्ली पे कर रहा है. रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल ऑनवर्ड गोज आउट. बुक्स में रख के कोई फायदा नहीं. कितने का बिल था? 6,000. यहां पे मैं रिबेट लेता हूं. रिबेट इज इक्वल टू 6,000 का बिल था. कितने रेट पे उसने रिटायर किया? 12% पर एनम 1 month बिफोर. एक मंथ पहले पेड किया तो एक मंथ का डिस्काउंट देंगे हम उसको, रिबेट देंगे 60 रुपीज. सो 6,000 में से 60 उसको डिस्काउंट देंगे तो हमें कैश में कितना मिलेगा? 5940. दिस विल बी द एंट्री. बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया. ए इज रियली गुड, बी इज नॉर्मल. सी, दिलीप रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र फॉर 12,000 बाय पेइंग 4,000 इन कैश एंड एक्सेप्टिंग, मतलब 8,000 का नया बिल बनेगा प्लस इंटरेस्ट. ठीक है, 3 months के लिए. So, देखो रिन्यूअल का कितना इंपॉर्टेंस है. ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में रिन्यूअल मिलेगा आपको फर्स्ट. ठीक है, दिलीप रिन्यूज इज एक्सेप्टेंस, तो पहले बिल डिसऑनर करना है. दिलीप ड्रॉवी अकाउंट डेबिट. टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 12,000 बीइंग दिलीप एक्सेप्टेंस डिसऑनर फॉर रिन्यूअल सेकंड. उसके बाद हमें नोटिंग चार्जेस होते तो इंटर थी दिलीप टू कैश, बट नोटिंग चार्जेस नहीं है, इंटरेस्ट आएगा दिलीप टू इंटरेस्ट. मैं ढूंढता हूं कितना इंटरेस्ट है यहाँ पे. दिलीप अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 8,000 रुपए, बिकॉज 12,000 में से वो 4,000 कैश में देने वाला है, तो जो मिलेगा उस पर थोड़ा इंटरेस्ट लगाओगे. जो बाकी है उस पर 8,000 पे 12% फॉर 3 months. You are going to renew for 3 months. So, 3 month ka interest, which will be 240. ठीक है, आगे. And फिर हम उसे cash लेंगे. Cash account debit. He is ready to pay you only 4,000. Interest किस में देने वाला है वो? अगर interest cash में देता तो 4,240 आता. But interest वो bill में देने वाला है. So, bills receivable account debit 8,240. टू दैट डी जो कोई भी है 12,240. ठीक है, आगे डन. डी बैंक इंफॉर्म नरेंद्र दैट, क्या है पढ़ो. ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन? यस 240. थैंक यू. बैंक इंफॉर्म नरेंद्र दैट क्लिक होना चाहिए. एक आपने बैंक के साथ या तो डिस्काउंट किया होगा या आपने कलेक्शन के लिए भेजा होगा और डिसऑनर हुआ होगा. कार्तिक्स एक्सेप्टेंस फॉर 13,000 टू नरेंद्र. कार्तिक का एक्सेप्टेंस, कार्तिक के लिए बिल्स पेबल, हम नरेंद्र है हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल. डिस्काउंटेड विद द बैंक वाज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस 140. सो डी किससे लेना है? कार्तिक से लेना होगा. तो कार्तिक अकाउंट डेबिट. और किसको देना होगा? बैंक को देना होगा. मतलब बैंक थोड़ी रुकेगी आपके लिए, उन्होंने तो पहले आपको डेबिट किया होगा. आज हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं टू बैंक. बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस विच इज 13,140. दिस इज द आंसर. क्लियर है? दिस इज द आंसर. राइट, हमने ये दो क्वेश्चंस किए आज एंड अलोंग विद वी डिस्कस समथिंग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज. आई विल स्टॉप टुडे. राइट, मैं आज के लेक्चर जल्दी खत्म करता हूँ बिकॉज आई हैव टू लीव टू द क्लास. थोड़ा मुझे वहां पे काम है. सर नोटिंग चार्जेस ले लिए ना मैंने 30,140. आई इंक्लूडेड मैम 30,140 मैंने साथ में ले लिए. 13,140 कैन सी मेरा कर्सर देख सकते हो. ठीक है, 140 थे ना? यस 13,140. ठीक है,
इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज देंगे डाल दें। सो आई विल एंड टुडेज लेक्चर, ठीक है? ट्राई सम क्वेश्चंस ऑन योर ओन। मैं कल से एग्जाम क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, पास्ट 8 पेपर्स में सॉल्व करने वाला हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के, ठीक है? आई विल शेयर द क्वेश्चंस विद यू सो दैट आपके सामने रहेंगे और हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो कल से वी विल स्टार्टिंग विद द एग्जाम क्वेश्चंस, एक हमारे प्रैक्टिस के लिए, बिकॉज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस, एग्जाम में क्या होता है, ठीक है? सो ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडेज लेक्चर। थैंक यू।